मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में अय्यर के चोटिल होने के बाद वे बाकी की ओडीआई सीरीज और आईपीएल से बाहर हो चुके हैं और अब पिछले साल की आईपीएल रनर अप दिल्ली कैपिटल्स के सामने कप्तानी का संकट आ गया है। हालांकि टीम के पास विकल्प काफी सारे हैं, फिर भी श्रेयस की कप्तानी में दिल्ली की टीम ने पिछले कुछ सीजन में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यहाँ तक कि पिछले साल दिल्ली की टीम काफी लंबे अरसे के बाद फाइनल में भी पहुंच पाई थी। दिल्ली के पास इस वक्त कप्तानी के ऑप्शन के तौर पर काफी समय से दिल्ली के रेगुलर खिलाड़ी ऋषभ पंत, अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, राजस्थान रॉयल के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलियाई दौरे में भारतीय कमान संभालने वाले अजिंक्य रहाणे हैं। हालांकि यहां पर ऋषभ पंत के अलावा सभी खिलाड़ियों को आईपीएल में कप्तानी का अनुभव है, फिर भी ज्यादा उम्मीद ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाए जाने की है, क्योंकि ऋषभ काफी लंबे समय से फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं और श्रेयस के साथ उनकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी दिखती है, तो जाहिर तौर पर पंत को भी कप्तानी का अनुभव मिलता रहा होगा। कप्तानी के अलावा अय्यर बैटिंग में भी डीसी के लिए काफी जरूरी खिलाड़ी रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली इस सीजन अय्यर के तौर पर एक कप्तान और मैच विनिंग बैट्समैन के बिना कैसे सर्वाइव करेगी।